अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा प्लान है कि आपको लाइव दिखाएं कि खोया कैसे बनाया जाता है। तो इस वक्त मैं हूँ यहाँ पर बैरिया टाउन में। एक हमारी एक शॉप है, बहुत ही मशहूर है ये दूध की दुकान, जिसका नाम है मोहम्मद डेरी मिल्क। और ये मोहम्मद डेरी मिल्क जो है वो केक्स एंड बेक्स की जो शॉप है उसके बिल्कुल बैक साइड पे है। और इसका दूध दही सब कुछ बहुत ही अच्छा होता है। तो आज मैंने इनसे कहा था कि आप हमें खोया बनाना सिखाएं। तो ये जिस तरह से खोया बनाएंगे, तो ये मैं आपको शॉप में चलते हैं और चल के चेक करते हैं कि खोया कैसे बनता है। ये देखें जी, ये है मोहम्मदी डेरी मिल्क। ये देखें जी, हमने कढ़ाई में ये दूध डाला है और तकरीबन 7 से 8 लीटर के करीब दूध है। और ये इससे तकरीबन 1 kg के करीब फ्रेश खोया आपको मिलेगा। और इसका टोटल टाइम तकरीबन 1 घंटा बता रहे हैं ये बनने में लगेगा। ये फुल क्रीम मिल्क दूध है, खालिस भैंस का दूध है। और खोया बनाने में आपकी कोई लाइक नेस्ले या इस किस्म की कोई डब्बों का दूध यूज़ नहीं कीजिए। ये फ्रेश मिल्क से ही खोया बनता है। आहिस्ता इसका दूध गर्म होना शुरू हो गया है, तो हमें इसको बिल्कुल ड्राई फॉर्म में लेके जाना है। ये देखें जी, दूध अब अल्हम्दुलिल्लाह गर्म होना शुरू हो गया है। कितने टेम्परेचर पे? 100 डिग्री से ऊपर है इस वक्त इसका टेम्परेचर। और ये देखिए, आहिस्ता ये ऊपर आना शुरू हुआ है। इस स्टेज पे इसको बस आपने हाथ नहीं रोकना है, चम्मच चलाते रहना है। और ये जैसे इनका बर्तन है, अगर आप घर में खोया बनाएंगे तो मोटे पैंदे का बर्तन लीजिएगा, वरना ये नीचे दूध लगने का, जलने का खतरा होता है। शहजाद भाई, ये कितने अरसे से खोया बना रहे हैं आप? तो ये बहरिया टाउन में आपकी शॉप कितने अरसे से है? 5 साल से। तो लोग आपकी दूध की दुकान, दूध की क्वालिटी के मुताबिक क्या कहते हैं? जी शुक्र है अल्लाह का, माशाल्लाह अच्छी है। उन्होंने जो है ना मेरे दूध और मेरी दही को बहुत ज़्यादा पसंद। नहीं, दही तो आपकी बहुत आला है, दूध दही तो मैंने आपकी काफ़ी ली है। इसी दूध से हम दही तैयार करते हैं। तो और क्या क्या चीज़ बनाते हैं आप इसकी? खोरे दूध दही खोए के अलावा? सर दूध दही देसी घी मक्खन वो भी तैयार करते हैं। अच्छा, तो ये देसी घी की कभी आप हमारे लिए वीडियो पर? कभी आप आइएगा, बस हम ये प्लान करेंगे इंशाल्लाह ताला आपके साथ देसी घी का भी। तो ये देखें, ये दूध आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी देर, ये कह रहे हैं कि इसको एज इट इज़ हम छोड़ेंगे, क्योंकि खुद ब खुद ही ना नीचे से उबलना शुरू हो गया, हलाने की ज़रूरत होती है ना। हाँ, खुद ब खुद ही, ये कह रहे हैं कि इसको हमने इतना चम्मच चलाया है तो अब ये खुद ब खुद ये ऊपर नहीं आ रहा, ये खुद नीचे से उबल रहा है, आप देख रहे होंगे। ये देखें, ये जी आहिस्ता आहिस्ता दूध जो है वो खुश्क होना शुरू हो गया है। इन्होंने साइड से जो कढ़ाई के साइड पर दूध थोड़ा थोड़ा सा लग रहा था, इन्होंने उसको भी हटाना शुरू कर दिया। ये देखें, दूध अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक गाढ़ा गाढ़ा होना शुरू हो गया है साइडों पे, आप देख रहे होंगे। ये देखें, इस स्टेज पे अगर आपने चम्मच छोड़ दिया तो दूध देखें बहुत गाढ़ा हो चुका है, तो दूध फिर नीचे से जलना शुरू हो जाएगा। ये देखें, बहुत अच्छा सा लाइट ब्राउन कलर इसका होना शुरू हो चुका है। शहजाद भाई तो इस काम के एक्सपर्ट हैं, और खसूसन जो हमारे बैरिया टाउन के जितने भी सब्सक्राइबर हैं, आप इनका खोया एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। आपको याद होगा एक लौकी का हलवा मैंने बनाया था, उस
उसमें जो खोया यूज जो टेस्ट डेवलप हुआ था वो इसी खोए की वजह से हुआ था। ये देखिए दूध अब बहुत अच्छे से गाढ़ा होना शुरू हो गया है। ये इस वक्त हमने चूल्हे की फ्लेम बहुत थोड़ी सी स्लो कर दी है, वरना ये दूध जलना शुरू हो जाएगा। इन्होंने लो फ्लेम पे, ये मैं आपको दिखा दूँ कि चूल्हा बहुत स्लो कर दिया है। ये देखें जी, वीडियो में आप देख रहे होंगे कि ये दूध कितना थिक हो चुका है और मेरा अपना ख्याल है कि कोई 15-20 मिनट की टाइम और चाहिए हमें। खोया हमारा अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक बहुत अच्छा सा हो चुका है। ये देखिए जी, इस वक्त अब आपने शहजाद भाई बता रहे हैं कि इस वक्त आपने बहुत हाथ को रोकना नहीं है, मुसलसल चलाना है किनारों से आप इसको, ये क्योंकि इनका ये कढ़ाई या इनका ये हांडा जो है काफ़ी बड़ा है, हमारे फूड इंडस्ट्री की ज़बान में बड़े बड़े बर्तनों को हांडे बोला जाता है। जैसे हमारे घरों में छोटी छोटी हंडियाँ होती हैं, तो क्योंकि मेरा बहुत तवील अरसा फूड वालों के साथ काम करते हुए गुजरा है, जैसे छालिया को फ्राई करते हैं तो उसको हांडे कहा जाता है, चॉकलेट के मिक्सचर्स को भी हांडे कहते हैं। ये देखें इसमें ये बबल्स भी बनना शुरू हो गए। देखने में ही इतना माशाल्लाह खूबसूरत लग रहा है ये। अभी और कितना इसको आप लाइक ड्राई करेंगे? बस तैयार है ये इस वक्त, बस अब इसको ठंडा होने का वेट करना है। तो ये जो इतना ये लिक्विड फॉर्म में ये खुद ही सेट हो जाएगा, और अगर हम इसमें अभी चीनी डालना चाहें तो ये बर्फ़ी की शेप में आ जाएगा। ये खुशबू, और जो भी शेप आप करना चाहें वो बना सकते हैं इसमें, जिस शेप में भी आप कटिंग करना चाहें। ये जी अब चूल्हा इन्होंने बंद कर दिया है और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा खोया रेडी हो गया है माशाल्लाह। ये जी माशाल्लाह रेडी हो गया है, अब हम इसको कढ़ाई से निकाल के बस लेके जाएंगे, और उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अस्सलाम वालेकुम।